हाय फ्रेंड, ये शीट है जो वो हमारी है कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल की, जिसके अंदर हमारी शीट का नाम है वॉल सेक्शन। वॉल सेक्शन के हम क्या करते हैं, हम किसी भी बिल्डिंग को एक वाई एक्सिस पर काट देते हैं वर्टिकली, और जो हमारे पास सेक्शन कट कर आता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर जूम करिए, ये है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल वो होता है जो हमारा फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी हमारी वर्किंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है लेयर्स की, वो यहाँ पर की जाती है। उससे पहले हम यहाँ से 450 mm नीचे जाएंगे और हमारी जो पहले लेयरिंग की जाती है वो होती है PCC, मतलब प्लिंथ सीमेंट कंक्रीट। देन उसके ऊपर जो हमारी वर्किंग की जाती है वो होती है हमारी BBCC की। BBCC ब्रिक ब्लास्ट सीमेंट कंक्रीट होता है, वो होती है 45 mm थिक। ये देखिए प्लिंथ लेवल जो है उसके नीचे तक का जितना सारा स्ट्रक्चर होता है वो आता है हमारा सब स्ट्रक्चर में, और प्लिंथ लेवल के ऊपर जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। ये आपने देखा होगा कि जितना भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है वो हमारा सब स्ट्रक्चर ही लेता है, जिसके लिए जो फाउंडेशन होती है हमारी सब स्ट्रक्चर में आती है। फाउंडेशन जो होती है ट्रायंगुलर शेप में होती है, आपने देख लेंगे यहाँ पे थ्री की शेप सी आ रही है, बिकॉज जिसकी हेल्प से हम जो हमारा फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज ए वेरी लार्ज स्केल। ये देखिए जो इसकी विड्थ है वो 720 mm एंड जो हाइट है 150 mm, और ये वेरी करती हुई जा रही है, जिससे हमारी जो ब्रिक और जो वॉल की थिकनेस जो है 230 mm रह जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्लिंथ लेवल पर। तो प्लिंथ लेवल जो है उसके अंदर हमारी आती है DPC। DPC एक वाटर प्रूफिंग लेयर होती है जो कि हमारा जो वाटर है उसे दूर रखती है, ड्रेन आउट रखती है टू दी वॉल, बिकॉज वॉल जो होती है वो हमारी बनी होती है ब्रिक से, और ब्रिक जो है वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैपिलरी एक्शन की, जो वाटर को मूवमेंट देती है। वाटर के मूवमेंट को वॉल में जाने के लिए ना जाए, उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हम DPC की लेयर देते हैं। और PCC के अंदर हम देखते हैं जूम आउट टुगेदर, PCC के अंदर पहले हमारी लेयर आती है अर्थ फिलिंग के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ सॉलिड पार्टिकल्स फिल आउट कर देते हैं। देन उसके ऊपर हमारी आती है सैंड फिलिंग जो कि 100 mm थिक। देन उसके ऊपर हमारी एक लेयर आएगी फिर 100 mm थिक BBCC की, ब्रिक ब्लास्ट सीमेंट कॉन्क्रीट, जिसके अंदर हम ब्रिक को क्रश करके सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स करके यहाँ पर लेयरिंग कर देते हैं। देन उसके बाद हमारी 20 mm थिक की मोटर की लेयरिंग। देन इसके ऊपर हमारा स्टोन वर्क आता है जो हमारे बोलते हैं कि फ्लोर फिनिश होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, उसके ऊपर हम जब जाएंगे फ्लोर प्लिंथ लेवल के ऊपर, तो हमारे 100 mm के ऊपर हमारी सिल लेवल आती है। सिल लेवल वो होता है जिसके ऊपर हमारी विंडो सपोर्ट करती है, एंड देन विंडो हमारा जो एरिया ले रही है वो है 200 mm का एरिया। 200 mm की हाइट लेने के बाद उसके ऊपर हमारी आती है लिंटल जो कि 200 mm थिक होती है, और जो उसके आगे हमारी वेदर शेड दी होती है जिसे हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो लिंटल जो होती है वो हमारा जितना भी ब्रिक का सपोर्ट जो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि बीच में तो हमारी सारी कैविटी है, तो ऊपर की जो ब्रिक वर्क जो होता है उसका लोड जो होता है वो लिंटल सपोर्ट करके ट्रांसफर करती है हमारी अदर वॉल्स के वॉल्स पर, जो इसकी सपोर्टिंग वॉल्स होती हैं उन पर। देन उसके ऊपर 900 mm की स्पेस और छोड़ेंगे तो उसके ऊपर हमारा जो सीलिंग होती है वो आएगी। तो सीलिंग जो और लिंटल के बीच का स्पेस होता है 900, एंड देन टोटल जो हमारा जो हाइट निकलेगी प्लिंथ लेवल से लेकर सीलिंग तक वो हमारी आती है 3000 mm तक, मतलब 3 meters तक। देन जो हमारी टेरेसिंग है उस पर जूम आउट करते हैं, जो टेरेसिंग जो है उसके अंदर जो पहली लेयर जो होती है वो हमारी होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब RCC स्लैब्स की, जिसके अंदर हमें बीच में एक कैविटी दी होती है जो कि जो वेदर के हिसाब से जो मूवमेंट या एक्सटेंशन भी होते हैं वो कवर हो सके, और बोर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्रैक बॉडीज ना हो और स्ट्रेंथ उसकी वैसी ही बनी रहे। तो उसके ऊपर हम एक लेयरिंग देंगे और उसके अंदर फिलेट प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, जो वाटर डायरेक्ट ड्रेन आउट यहाँ पर हो तो सेपरेट आउट हो जाए, यहाँ पर रुके ना, और बिल्डिंग को और बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को कुछ फर्क ना करे। उसके ऊपर हमारी लेयर आई होगी मड फसका। मड फसका जो होता है हमारा मिक्सचर होता है मड प्लस काउडम प्लस हे का। देन उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारी जो लेयरिंग है वो है मड मोटार की। मड मोटार मतलब मड का जब हम कोई भी मिक्सचर बनाते हैं वाटर प्लस सैंड को मिक्स करके, तो हम उस लेयर को बोलते हैं मड मोटार। देन उसके ऊपर हमारी जो लेयर आएगी वो 20 mm थिक ब्रिक की, 40 mm थिक ब्रिक लेयरिंग, और इस ब्रिक के ऊपर हम चाहे तो फ्लोर फिनिश भी कर सकते हैं, पर जो हमारी टेरिसिंग होती है मेनली हम उसके ऊपर कोई फ्लोरिंग नहीं करते, बस ब्रिक की लेयरिंग कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा गोला आता है जो कि वाटर को किसी कोने पर जमा नहीं होने देता। देन उसके ऊपर जो हमारा देखेंगे कि पैरापिट आता है। पैरापिट हम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर हमारी कोई भी आदमी यहाँ पर खड़ा होता है तो डायरेक्टली कोई नीचे ना गिर पाए, अगर कोई नीचे देख भी रहा है तो। फॉर सेफ्टी इट इज़ प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग।
फॉर दैट द पैरापेट की जो हाइट होती है वो इसलिए 900 रखी जाती है जो सूटेबल होती है पर्सन की हाइट तक। एंड देन जो हमारे यहाँ पर इसके ऊपर आती है आपकी कोपिंग, कोपिंग जो आप यहाँ पर देखेंगे वो स्लैंट एक स्लोप में दी जाती है, क्योंकि ये स्लोप ऐसा होता है जो पानी अगर इसके ऊपर आ भी रहा है तो बिल्डिंग के बाहर ही गिरे, ऊपर से बाहर गिरते हो कि कोई वाटर ड्रॉप यहाँ पर आकर बिल्डिंग पर जा सकती है, तो उसको यहाँ पर कॉर्निसेस प्रोवाइड की जाती है या कॉर्निसेस प्रोवाइड इन दिस, जो ये हमें होल दिख रहा है उसे कॉर्निसेस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जब वाटर ड्रॉप आती भी है तो बिल्डिंग पे ना गिर के वहीं से डायरेक्टली नीचे गिर जाती है, इससे कि हमारी कैपिलरी रिएक्शन जो भी होती है और जितनी भी स्ट्रेंथ जो होती है बिल्डिंग की वो बनी रहती है। और जो ये सारा पार्ट है ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेक्शन हमारा वॉल का, और इसलिए हम ये शीट जो है वो है वॉल सेक्शन की। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी विद रिलेटेड टू द शीट यू ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन माई ब्लॉग ऑन youtube.com ऑन माई चैनल रोहित नवाब सिंह चौधरी। Hi friends, I am Rohit Nathan Chaudhary and you also watch my other videos on YouTube and there are some example of sheets are also there, so you can search my other videos on my channel Rohit Nathan Chaudhary on youtube.com.